आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खस्ता मूंग दाल कचौरी की रेसिपी। और इससे पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि मेरे चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मूँग दाल। इसे हम अच्छे से धोकर सोक कर लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। फिर इसे अभी हम छान लेंगे और इसकी अभी हमें एक दरदरी पेस्ट बनानी है। और इससे पहले हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, आप चाहे तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें अभी हम हमारी मूंग दाल जो पेस्ट है उसे ऐड करेंगे, हल्का सा भून लेंगे उसे। फिर इसमें अभी हम ऐड करेंगे सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस। मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धना जीरा पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक। इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम ऐड करेंगे चाट मसाला या आमचूर मसाला। फिर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके हम इसे भून लेंगे अच्छे से। स्टफिंग हमारी काफ़ी खिली खिली होनी चाहिए। अगर आपकी स्टफिंग ड्राई होती है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी मतलब हमें छिड़कना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने सारी गुठलियाँ भी मोड़ दी हैं। इसे अभी हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ता के साथ। स्टफिंग ड्राई होनी चाहिए जिससे कि हम हमारी कचौरियों को अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 5 मिनट में मेरी स्टफिंग बनकर रेडी है। मैं इसमें सौंफ ऐड करना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड कर लिया। अब हम बना लेंगे इसका आटा, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसमें अभी हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच देसी घी। इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुनगुने पानी के हेल्प से हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये मेरा आटा अभी रेडी है। इसे अभी हम तेल लगाकर रेस्ट करते देंगे 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये स्टफिंग ठंडी हो गई है और आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ टेक्सचर आया है, इसे कहीं पर क्रैक नहीं है। इसके अभी हम छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी कचौरी बनानी है अकॉर्डिंगली आप आटा ले सकते हैं। इसे अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा बेल लेंगे। अभी हम इसमें अपनी स्टफिंग फिल करेंगे। आप स्टफिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मोदक बनाते हैं उसी शेप में हमें इसे फोल्ड करना है, बहुत आसान है ये। अच्छे से इसे टाइट रोल करना है। जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और इसे अभी हम सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे कि डीप फ्राई करते समय हमारी कचौरियों का स्टफिंग बाहर ना निकले। इसको आप चाहिए तो एक थोड़ा सा बेल भी सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारी कचौरियाँ बना ली हैं। डीप फ्राइंग करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पे अभी हम कचौरियों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। दो मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और हमारी गैस की फ्लेम को भी थोड़ा सा धीमी कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए अभी कुक करेंगे। अब देख सकते हैं 10 मिनट में मेरी कचौरियाँ अच्छे से बनकर रेडी है। उन्हें कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। मैं इसे सर्व करूँगी हरी चटनी के साथ और थोड़े फ्राइड ग्रीन चिलीज के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।